नहीं, हर लेडी को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अगर उन्होंने उस टाइम नहीं रखा तो अगर अब रख रही हैं तो नॉट अ बैड। हर लेडी को अपनी ओपिनियन रखने का हक, पूरा हक है। और मीटू कैंप से ये है कि जो चीज़ सही है तो सही है और जो गलत है वो गलत है। जो चीज़ सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। मीटू कैंप में क्या है कि जो हर मतलब हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हो रहा है लड़कियों के साथ होता है या अदर इंडस्ट्री में भी जो होता है अक्सर मिलता है यही चीज़ें, तो वही चीज़ें उठाकर सामने लेके आ रहे हैं। और लड़कियों ने औरतों ने जो जिस तरह से ये कैंप स्टार्ट किया है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं गलत है ये। जी देखिए, तनुश्री के साथ जब 10 साल पहले हुआ था वो चीज़, तो वो उसको पता है कि उसके साथ क्या हुआ था। आज हम सिर्फ जज कर सकते हैं कि क्या हुआ था। आज हम यही कहेंगे क्योंकि हमारे सामने तो नाना पाटेकर बहुत बड़े एक्टर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनको भी गलत नहीं कह सकते और तनुश्री को भी गलत नहीं कह सकते। वो तो रिजल्ट है, जो आएगा सामने वही पता चलेगा। करेंटली इनको लीगल एक्शन लेने चाहिए थे उस टाइम, तो उन्होंने उस टाइम नहीं लिया। अगर वो 10 साल बाद कम बैक कर रहे हैं इंडिया में तो वो काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिकल हो सकता है। पर मुझे लगता है एक्चुअली ये जो मीटू मूवमेंट है, अगर आपको आपकी कुछ बात कहनी है या आपको कुछ बोलना है या आपको कोई परेशान करना है तो हमेशा मीटू मूवमेंट की ही क्यों ज़रूरत है। मतलब अगर जैसे कि कोई आईटी कंपनी है, एमएनसीज, ठीक है, तो उसके पास तो कुछ है ही ना अपनी 10 साल पुरानी या 1 साल पुरानी या 1 दिन पहले कुछ भी बात कहने का। ऐसा सिर्फ इंडस्ट्री में ही क्यों है कि मीटू मूवमेंट, अगर मुझे कुछ कहना या मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसे भी बोलूंगी ना। मतलब हमेशा जरूरी तो नहीं है कि मैं मीटू मूवमेंट का सहारा लूंगी। मुझे ये बताओ, अगर कोई इवेंट में है या एंकरिंग में है तो वो किसको जाके बोले? अगर मीटू मूवमेंट उसके लिए नहीं है तो वो कुछ कह नहीं सकती क्या? इट्स रियली डिपेंड कि आप जाओ, आप कंप्लेन करो, आप एक्शन लो। मे बी तनुश्री दत्ता सही भी हो, मे बी नहीं भी हो। हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़ चैनल को, घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार।